इस पार्ट में हम लोग विलेन चैप्टर में जो अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ रहे थे उसका चौथा अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे। तो तीन अणुसंख्य गुणधर्म वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें हम चौथा अणुसंख्य गुणधर्म यानी परासरण दाब पढ़ेंगे। अणुसंख्य गुणधर्म जैसा कि आप जानते हैं कि विलयन के वो गुण होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होने पर या कम होने पर, यानी अणुओं की संख्या, कणों की संख्या बढ़ने या घटने पर उनके मान घटते बढ़ते हैं, यानी वे गुण प्रभावित होते हैं, वे कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ना कि साइज पर। तो परासरण दाब यानी जो चौथा अणुसंख्य गुण धर्म है उसको पढ़ने से पहले परासरण देखते हैं क्या होता है। तो परासरण एक घटना है जो घटती है कब, जैसे देखिए ये जो डायग्राम में हमने बीकर लिया है, इस बीकर में हमने भरा है जल यानी विलायक है, और जो एक चौड़े मुँह वाली नली है एक सिरे पर उसमें हमने एक विलयन भरा है जैसे चीनी का घोल, चीनी का जलीय विलयन। तो उस नली में विलयन है और बाहर जो है विलायक है, और बीच में नली का जो मुँह है उस पर अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली वो झिल्ली होती है जिसके छिद्र इस प्रकार होते हैं कि बहुत सूक्ष्म होते हैं और वो केवल विलायक के कणों को, विलायक के अणुओं को इस पार से उस पार जाने देते हैं बस। तो विलयन में भी विलायक है और विलायक तो बाहर है ही है, तो बाहर जो विलायक का पोटेंशियल है वो हाई है, यानी बाहर विलायक ज़्यादा हाई पोटेंशियल में है, तो बाहर से विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विलयन में जाने लगता है, यही घटना परासरण कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है जैसे कि बहुत क्लियर कि किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से उसके विलायक से पृथक करके रखने पर विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से पार होते हुए विलयन की ओर जाने लगता है, इस घटना को परासरण कहते हैं। तो विलायक जा रहा है विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हुए, यही परासरण की घटना है। तो ये परासरण की घटना तब घटती है जब चाहे विलयन और विलायक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक करके रखे गए हों, चाहे तनु विलयन और सांद्र विलयन दो पृथक करके रखे गए हों। तो कम सांद्रता वाले विलयन की तरफ से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ विलायक जाने लगता है, जिधर भी विलायक का पोटेंशियल हाई होता है। तो परासरण दाब क्या है, यानी परासरण की घटना को रोकने के लिए जो विलयन की तरफ, यानी विलायक किधर जाता है, विलयन की तरफ, तो विलयन की तरफ एक बाह्य दाब लगाया जाता है ताकि विलायक उस तरफ ना जा पाए। तो वो बाह्य दाब ही परासरण दाब है, वो न्यूनतम दाब जो लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो एक डायग्राम में एक जो बर्तन है उसमें बीच में पार्टीशन हम कर रहे हैं, तो पार्टीशन जो है वो सेमी, ये पार्टीशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के छिद्र बहुत सूक्ष्म होते हैं, दो चैम्बर इसमें बन गए हैं, एक में राइट साइड वाले में हम विलायक भरते हैं, या जैसे यहाँ पर हम जल भर रहे हैं, विलायक जल एक विलायक है, और दूसरे में एक विलयन भर रहे हैं जैसे चीनी का जलीय विलयन, और बीच में दोनों के बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो विलायक का पोटेंशियल ज़्यादा किधर है, विलायक है तो चीनी के घोल में भी, यानी जल दोनों तरफ है, चीनी के घोल में भी है जल इधर भी, लेकिन इसका पोटेंशियल हाई किधर है, जिधर वो तनु है, तो उधर से वो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरफ परासरण करता है, यानी ऑस्मोसिस की घटना घटती है। तो जैसे ही वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाने लगता है, वैसे ही जो पिस्टन ऊपर लगा हुआ है उस चैम्बर में, वो पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लगता है। तो पिस्टन पर ऊपर से नीचे की तरफ एक बाह्य दाब लगा करके उस परासरण को रोकते हैं, यानी उस घटना को जस्ट स्टॉप करते हैं, यानी पिस्टन पर अगर हम प्रेशर लगाते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग जितना वो पिस्टन ऊपर जाने लगेगा उतना ही प्रेशर लगाओ ताकि पिस्टन ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, तो परासरण की घटना रुक जाएगी। तो वो न्यूनतम दाब जो परासरण की घटना को जस्ट स्टॉप कर देता है परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब
उस तरफ लगाते हैं, उस तरफ का बाह्यदाब है जिधर सांद्रण ज़्यादा होता है, जिधर विलायक का पोटेंशियल कम होता है। तो परासरण दाब इस बात, चूँकि ये अणुसंख्यक गुण है तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितना विलेय घोला गया, यानी विलयन में जितनी विलेय की सांद्रता ज़्यादा होगी, ये जो अणुसंख्यक गुण है, ये परासरण दाब का जो गुण है, परासरण दाब का मान है वो अधिक होगा। तो इसका मापन कैसे करेंगे? इसके मापन के लिए एक बर्कले हार्टले ने, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक विधि बनाई है, तो इससे हम परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस विधि से मापन करने के लिए हम, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, इसमें बीच का एक बेलनाकार चैम्बर है, यानी नली है एक, और बाहर का जो उसके चारों तरफ से घेर रही है वो एक बेलनाकार नली है। तो दो समकेंद्रीय नलियां हैं, यानी एक छोटा सिलेंडर जैसे एक बड़े सिलेंडर के अंदर, एक छोटी नली बड़ी नली के अंदर। तो बाहर का चैम्बर जो है उसमें विलयन है और अंदर के चैम्बर में, अंदर की नली में विलायक है। और अंदर की जो नली है उसके एक सिरे पर कैपिलरी ट्यूब लगी है, कैपिलरी केश नली लगी है, दूसरे सिरे पर रिजर्वायर से कनेक्ट है। और दोनों नलियों के बीच में जो, यानी अंदर की जो भीतर की जो नली है उसकी दीवारें सरंध्र हैं, उसमें कॉपर फेरोसाइनाइड लगा हुआ है पेस्ट, ताकि उसमें बहुत महीन रंध्र बन सकें, और इस तरह से परासरण की घटना घटती है। और विलायक बीच वाले चैम्बर से बाहर वाले चैम्बर की तरफ, यानी बाहर की तरफ, यानी जो बड़ी वाली नली है, समकेंद्री बड़ी वाली नली है, उधर की तरफ जाने लगता है। तो परासरण की घटना को स्टॉप करने के लिए बाहर वाले में एक पिस्टन लगा हुआ है ऊपर, जो कि नीचे की तरफ पुश करके और परासरण की घटना को जस्ट स्टॉप करता है, वो न्यूनतम दाब जो लगा करके हम उसको स्टॉप करते हैं, तो दाब मापी में रीडिंग आ जाती है। दाब मापी भी पिस्टन के बगल में लगा हुआ है। तो परासरण की घटना हो रही है कैसे पता चलेगा? जैसे ही परासरण की घटना होती है, बीच वाले नली से विलायक ऊपर की तरफ जाने लगता है, कैपिलरी ट्यूब में लेवल नीचे गिरने लगता है। तो कैपिलरी ट्यूब का जो लेवल परिवर्तन है उसी को मेंटेन रखने के लिए परासरण दाब, यानी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं और उस लेवल को मेंटेन रखते हैं, और फिर जितनी रीडिंग दाब मापी में आती है वही उस विलयन का परासरण दाब है। तो विलयन तो बाहर भरा हुआ है, बाहर बाहर के चैम्बर में, और भीतर वाली नली में विलायक है। तो विलयन जितना ज़्यादा सांद्र होगा, परासरण दाब का मान उतना ही ज़्यादा होगा, उतनी ही तेज़ी से विलायक जाएगा बाहर की तरफ, और उतना ही ज़्यादा हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा एक्सटर्नल पिस्टन पर, एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये बर्कले हार्टले विधि सन 1904 में बर्कले हार्टले ने दी, और ये जलीय विलयन का प्रसरण दाब ज्ञात करने की विधि है। यानी हम जल में किसी भी विलेय पदार्थ का विलयन बना के उसका प्रसरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, और इससे बहुत शीघ्रता से, बस इस सेटअप में विलयन को भरो, विलायक को भरो, और बहुत शीघ्रता से ज्ञात कर सकते हैं। और ये इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के फटने का डर नहीं, क्योंकि सरंध पात्र में कॉपर फेरोसाइनाइड लगा हुआ है, तो वहाँ कोई ऐसी नाजुक झिल्ली नहीं लगी हुई है जो फट जाए। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर फटने का डर नहीं है, और इस प्रोसेस के दौरान कोई टेम्परेचर चेंज भी नहीं होता है जिससे कि कोई दिक्कत हो। तो ये प्रसरण दाब ज्ञात करने की बर्कले हार्टले विधि है, जिससे हम किसी विलयन का परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं, जलीय विलयन का। तो ये हम लोगों ने चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ा, परासरण दाब, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि विलेय के कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ज़्यादा विलेय रहेगा तो ज़्यादा परासरण दाब रहेगा, कम रहेगा तो कणों की संख्या कम रहेगी, तो कम रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तनु विलयन का सिद्धांत। तनु विलयन मतलब जिसमें विलेय कम मात्रा में हो, फीका विलयन। और तनु विलयन में विलेय के अणु, ये सिद्धांत क्या कहता है कि तनु विलयन में विलेय के अणु उसी प्रकार व्यवहार करते हैं,
उसी प्रकार बिहेव करते हैं जैसे गैस किसी बर्तन में भरी है तो उसमें गैस के अणु। तो तनु विलयन और एक बर्तन में भरे गैस को कंपेयर किया है और बताया है कि वो दोनों का बिहेवियर यानी तनु विलयन के अणुओं का, विलय के अणुओं का, और गैस में गैस के अणुओं का बिहेवियर सेम होता है। यही तनु विलयन का सिद्धांत है। अगर विलयन सांद्र हो जाता है तो फिर ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर गैस के वो बहुत सारे नियम लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं, जो गैसीय नियम हैं, जो गैसों के नियम हैं, जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो का नियम, तो वो सारे इन तनु विलयनों पर अप्लाई होते हैं। तो परासरण दाब के नियम क्या हैं? पहला है बॉयल वांट हाफ का नियम। तो जैसे बॉयल का नियम होता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी किसी तनु विलयन के लिए अगर स्थिर ताप पर हम उसका परासरण दाब देखें तो वो उसके सांद्रण के समानुपाती होता है। सांद्रण और जो उसकी तनुता है वो व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कंसंट्रेशन की जगह 1/V लिख सकते हैं। तो यहाँ पी इज इक्वल टू के 1/V, पी वी इज इक्वल टू के। ये रिलेशन बिल्कुल उसी तरह है जैसे बॉयल का नियम है गैसीय नियमों के लिए। तो ये बॉयल वांट हाफ नियम है, ये वांट हाफ साइंटिस्ट ने दिए हैं। चार्ल्स वांट हाफ नियम में, जैसे चार्ल्स का नियम गैसीय गैसों के लिए होता है कि गैस का आयतन यानी स्थिर प्रेशर पर, स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन है उसके ताप के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर स्थिर सांद्रण पर यानी स्थिर कंसंट्रेशन स्थिर है तो स्थिर सांद्रण पर परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है तनु विलयनों का समीकरण। तो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे जिससे तनु विलयनों की समीकरण बनेगी। तो बॉयल का नियम क्या कहता है? पी प्रोपोर्शनल टू 1/V। और चार्ल्स वांट हाफ नियम क्या कहता है? पी प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पर ये ताप दाब का नियम है, ये पी इन्वर्सली पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो यहाँ पर प्रेशर प्रोपोर्शनल है 1/V के और टी के भी, तो इस तरह से दोनों को कंबाइंड रूप से लिखने पर ये पी वी इज इक्वल टू आर टी रिलेशन बनती है। और एक मोल के लिए तो पी वी इज इक्वल टू आर टी है और एन मोल के लिए पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। तो यहाँ पर दोनों नियमों के कम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वहाँ आर की जगह एस भी ले सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये विलयन नियतांक है। तो विलयन नियतांक और गैस नियतांक दोनों का जो मान है वो सेम रहता है। नंबर ऑफ मोल की जगह भार बटे अणुभार W/m भी लिख सकते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू W/mst। ये सूत्र है जिसकी सहायता से परासरण दाब के जो न्यूमेरिकल है वो लगेंगे। वी आयतन है, यहाँ लीटर में रखना है, अगर एस का मान 0.0821 रखना है तो ये। और डब्लू जो है वेट है, विलेय का भार है, यानी विलयन में हमने कितना विलेय मिलाया है, कितने ग्राम, वो डब्लू है। और एम अणुभार है उसका, जो कि सूत्र से निकलता है। एस का मान फिक्स्ड है। विलयन नियतांक है यानी आर के तुल्य है, तो आर प्रायः 0.082 रखते हैं, जो कि लीटर ATM मोल इनवर्स। तो लीटर, तो यहाँ पर जो यूनिट है लीटर ATM मोल इनवर्स, तो ये सारे मान रखने के बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अगर एक चीज़ नहीं पता है बाकी चीज़ रख करके निकल आएगा। तो तनु विलयनों का जो समीकरण है वो यही है, पी वी इज इक्वल टू W/mst। और फिर एक जो चौथा नियम है वो एवोगैड्रो वांट हाफ नियम है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो विलयन हैं, दोनों सेम प्रेशर पर हैं, दोनों का सेम आयतन है, दोनों का सेम टेम्परेचर है, तो दोनों में अणुओं की संख्या समान होगी। और या हम उसका
उल्टा कह सकते हैं कि यदि दो विलेन हैं, दोनों में अणुओं की संख्या समान है, दोनों का आयतन समान है, दोनों समान ताप पर हैं, तो दोनों का परसरण दाब सेम होगा। तो ये जो दो डायग्राम हम बना रहे हैं, इसमें दो विलेन हैं और एक विलेन का प्रसरण दाब P1 है सपोज, और इसका आयतन V1 है सपोज, ताप T1 है, और इसका प्रेशर P2 है, इसका वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। तो यदि P1 बराबर P2 है, V1 बराबर V2 है, T1 बराबर T2 है, तो दोनों में अणुओं की संख्या जो होगी, मोलों की संख्या जो होगी, अणुओं की संख्या जो होगी वो समान होगी। इसका मतलब तो N1 बराबर N2 होगा। यही एवोगाड्रो वांट हाफ नियम है। तो इस तरह से ये चारों नियम तनु विलयनों पर लागू होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर। तो परासरण दाब से विलय के अणुभार की भी गणना कर सकते हैं। अणुभार जैसे कोई विलेय है, जैसे कोई पदार्थ है, उसका अणुभार नहीं पता है, वो अज्ञात पदार्थ है, उसका हमें अणुभार ज्ञात करना है, तो उसकी एक ज्ञात मात्रा W ग्राम तौल के लेंगे और फिर उसको एक विलयन बनाएंगे, किसी विलायक में घोलेंगे और फिर उसका परासरण दाब ज्ञात करेंगे। तो परासरण दाब के सूत्र में रखने पर फिर उसका परासरण अणुभार ज्ञात हो जाएगा। तो अज्ञात जो पदार्थ होते हैं, कोई नए खोजे गए पदार्थ या ऐसे अज्ञात पदार्थ जिनका अणुभार ज्ञात करना हो, तो हम एक्सपेरिमेंटली इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इस अणुसंख्यक गुण से संबंधित सूत्र का प्रयोग करके। तो परासरण दाब कैसे ज्ञात करेंगे, विलयन बना करके पहले उस अज्ञात पदार्थ का, और बर्कले हार्टले विधि से परासरण दाब ज्ञात कर लेंगे। और पी वी इज इक्वल टू जो एन आर टी सूत्र है, जो वाण तनु विलयनों का समीकरण है, तो यहाँ पर इसमें से m निकाल लेंगे और इसी सूत्र से m को एक तरफ करके और सारे मान रख करके हमें पता चल जाएगा कि उसका अणुभार क्या है। जैसे ये एक प्रश्न देखते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। तो 3% यूरिया विलयन मतलब क्या, 3% मतलब परसेंट 100 में, यानी 100 ग्राम विलयन है, तनु विलयन है 100 या जलीय विलयन है, तो परसेंट मतलब पर 100 ml या 100 ग्राम, तो प्रति 100 ग्राम, 3 ग्राम यूरिया घुली है प्रति 100 ग्राम में, 3% 100 ग्राम में 3 ग्राम है। तो यहाँ 100 ग्राम 100 ml इक्विवेलेंट है, क्योंकि डेंसिटी यहाँ ऑलमोस्ट 1 है, तो 3 ग्राम प्रति 100 ग्राम है विलयन में, तो 30 ग्राम प्रति 1000 ml में हो जाएगा, या ग्राम लिखे वहाँ तनु विलयन है, तो 30 ग्राम प्रति लीटर 1000 ग्राम और 1000 ml यहाँ इक्विवेलेंट होंगे, यहाँ बराबर लिख सकते हैं दोनों को, क्योंकि तनु विलयन है और डेंसिटी लगभग 1 है, तो यहाँ मिली ही लिख देते हैं। तो 3% का मतलब 3 ग्राम प्रति 100 मिली या 30 ग्राम प्रति लीटर, तो आयतन कितना हो गया 1 लीटर और W कितना हो गया 30 ग्राम। तो यहाँ पर सारे मान जो हमें पता हैं उनको हम रखेंगे और ये हम लिख देते हैं कि 3% यूरिया का मतलब 30 ग्राम प्रति लीटर। तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 जोड़ करके केल्विन में बदल लेंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है टेम्परेचर यहाँ इस सूत्र में, कैपिटल टी जहाँ होता है वहाँ केल्विन में टेम्परेचर रखते हैं। तो पी वी इज इक्वल डब्ल्यू बाई एम आर टी में सारे मान रखने पर हमें यहाँ पी ज्ञात करना है, तो डब्ल्यू 30 हो गया, आर 0.082 है, इंटू टेम्परेचर 303 केल्विन है, और एम यूरिया का सूत्र एन एच टू सी ओ एन एच टू होता है, तो एम इज इक्वल टू सारे मान रखने पर, परमाणु भार रखने पर परमाणुओं के, ये आता है 60, कितना रहा है 60, तो 60 रख दिया, वॉल्यूम 1 लीटर है। तो ये सारे मान रखने के बाद हमें परासरण दाब ज्ञात हो गया, और ये परासरण दाब R का मान, चूँकि उसमें मात्रक में उसके ATM है, तो इसलिए यहाँ पर यह आंसर ATM में आया है। तो इस प्रकार इसके परासरण दाब से संबंधित सवाल लगाएंगे।
अब एक टर्म देखते हैं, सम पराशारी विलयन मतलब आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस। अगर दो विलयन हैं, दोनों विलयन वन विलयन टू दोनों के परासरण दाब अगर P1 P2 हैं और P1 बराबर P2 है तो इनको हम कहेंगे समपराशारी विलयन। तो समपराशारी विलयन अगर दोनों को एक दूसरे से पृथक करके रखा जाए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो झिल्ली के दोनों ओर विलायक का पोटेंशियल सेम है और विलायक ना तो उधर से इधर आएगा ना इधर से उधर जाएगा। तो समपराशारी विलयन अगर दो पृथक करके रखे हैं SPM से तो उसमें किसी प्रकार परासरण की घटना नहीं घटेगी, अर्थात दोनों का परासरण दाब बराबर है। तो समपराशारी विलयन के बाद अति पराशारी विलयन से तात्पर्य है जिसका परासरण दाब ज़्यादा हो, यानी जो सांद्र विलयन हो, क्योंकि सांद्र विलयन जो होगा उसमें विलय के कणों की संख्या ज़्यादा होगी और विलय के कणों की संख्या ज़्यादा होने का मतलब कि परासरण दाब ज़्यादा होगा। और हम बता रहे हैं ये बार बार कि परासरण दाब अणुसंख्य गुण है, अणुसंख्य गुण विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अति परासारी विलयन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है, जिसका परासरण दाब अधिक हो उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। तो परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सांद्रण के, सांद्रता ज़्यादा होगी तो उसका परासरण दाब ज़्यादा होगा। अब अगर मान लिया यहाँ पर ये एक तरफ ये विलयन है और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और दूसरी तरफ दूसरा विलयन है, विलयन एक तरफ विलयन वन है एक तरफ विलयन टू है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक का परासरण दाब P1 है एक का P2 है। तो अगर पहला विलयन अधिक सांद्र है और दूसरा विलयन कम सांद्र है तो पहला विलयन का परासरण दाब अधिक होगा, वो अति परासारी होगा, और इसका सांद्रण अधिक है, अधिक परासरण दाब है क्योंकि इसमें विलय ज़्यादा है, क्योंकि इसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो ये अति परासारी विलयन होगा, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होगा। और जो दूसरा विलयन है वो उसके सापेक्ष अल्प परासारी होगा, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन होगा। तो हाइपो मतलब लेस कंसंट्रेटेड, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं किसी से, इसलिए तो अल्प परासारी विलयन की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब कम हो। तो किसी से हम तुलना करके ही ऐसा बता सकते हैं कि इसका परासरण दाब कम है, क्योंकि ये एक सापेक्ष है। अगर तो जिसका परासरण दाब कम हो उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एक बर्तन में, बर्तन बनाते हैं पहले, एक बर्तन में इसमें क्या भरा है, चीनी का गाढ़ा घोल, इसमें चीनी का गाढ़ा घोल भर दिया है, पानी में काफ़ी सारी चीनी मिला के घोल रख दिया है और उसमें एक हमने अंगूर रख दिया है। तो अंगूर के अंदर भी जल है और उसमें मिठास है, तो उसमें शुगर है, तो विलायक यानी जल अंगूर के अंदर भी है और जल बाहर भी है, लेकिन जो बाहर है चीनी का गाढ़ा घोल है, तो बाहर जल का पोटेंशियल कम है, अंदर जल का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो जल का विभव अंदर ज़्यादा होने की वजह से परासरण की घटना घटेगी बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर से अंदर की ओर विलायक आने लगेगा और अंगूर जो है पिचक जाएगा। बाहर का विलयन अति परासारी है और भीतर का अल्प परासारी है, तो ये हमेशा अल्प परासारी की ओर से ही विलायक अति परासारी की ओर जाएगा, क्योंकि कम तनु विलयन की ओर से सांद्र विलयन की ओर ही विलायक गति करता है, यही परासरण की घटना है। अब एक दूसरा प्रयोग देखते हैं, इसमें जल में एक किशमिश डाल दिया है, तो किशमिश की जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। अब चूंकि बाहर जल है और जल का पोटेंशियल बाहर ज़्यादा है, बाहर अल्प परासारी है भीतर अति परासारी है, तो बाहर से जल अंदर जाने लगता है और किशमिश जो है फूल जाता है। तो ये घटना घट रही है परासरण की, यानी अल्प परासारी की तरफ से अति परासारी की तरफ विलायक जा रहा है। तो ये जो टर्म है ये समझता हूँ समझ में आ गए होंगे। तो ये हम लोग अणुसंख्य गुण पढ़ रहे हैं, परासरण दाब।
जिसके अंतर्गत ये सब टर्म्स आ रहे हैं। अब एक चीज़ और पढ़नी है कि जैसे वांट हाफ फैक्टर क्या है। तो वांट हाफ फैक्टर आई वांट हाफ साइंटिस्ट ने ये आई फैक्टर दिया है, और ये जितनी चारों अणुसंख्य गुणधर्म हम लोगों ने पढ़े हैं अभी तक, चार समीकरण जो जहाँ से स्टार्ट किया था ये आज का वीडियो, उसमें चार समीकरणें थी। तो उन समीकरणों में तब वो समीकरण तब उपयोगी नहीं रहते हैं जब विलेय वियोजित होने लगता है, विलायक में उसमें वियोजन या संगुणन होने लगता है, तो तब जब अणुभार निर्धारित किए जाते हैं उनसे तो उनके मान गलत आते हैं। तो इस प्रकार इस फैक्टर का यूज़ कर देने पर समीकरणों में सारे समीकरण सही हो जाते हैं। तो वांट हाफ ने ये आई फैक्टर दिया है। तो आई फैक्टर क्या है? असामान्य गुणधर्म बटे सामान्य गुणधर्म। तो असामान्य का मतलब है कि जैसे मान लिया हम परासरण दाब की बात करें, तो अगर जैसे हमने पानी में चीनी घोला तो पानी तो चीनी में वियोजित होगी नहीं, वो उसमें घुल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो परासरण दाब आएगा वो सामान्य आएगा। लेकिन यदि नमक को जल में हम घोलें तो नमक जल में वियोजित हो जाता है, तो वहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, उससे भिन्न परासरण दाब आएगा, तो वो असामान्य होगा। तो असामान्य मान ऊपर रखते हैं, असामान्य चाहे परासरण दाब हो, चाहे क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बी हो, चाहे डेल्टा टी एफ हो, चाहे पी नॉट माइनस पी हो, ये सारे मान जितने हैं ये सब जो है अणुसंख्य गुण धर्म के मान हैं, अणुसंख्य गुण हैं। तो ये सब अगर हम चाहे डेल्टा टी एफ हो, डेल्टा टी बी हो या पी हो, ये अगर असामान्य आ रहे हैं तो इनको बटे में ऊपर रखेंगे, और सामान्य मान जो आना चाहिए वो नीचे रखेंगे। तो इस तरह से आई का मान आ जाएगा। और चूँकि सूत्र से ये क्लियर होता है कि अणुभार और ये जो डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी बी या पी हैं, ये अणुभार के व्युत्क्रम संबंध में होते हैं, क्योंकि अणुभार नीचे होता है, राइट साइड में बटे के नीचे होता है, और तो ये व्युत्क्रम संबंध में होते हैं, इसलिए आई का मान हम निकाल सकते हैं सामान्य अणुभार ऊपर लिख के और असामान्य अणुभार नीचे लिख के। और इसको हम यानी वांट हाफ फैक्टर को हम एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी विलयन में विलेय मिलाने के पश्चात कणों की संख्या तथा विलेय के पूर्व मिलाने के पूर्व कणों की संख्या को आई कहते हैं। तो पश्चात कणों की संख्या यानी बाद में कणों की संख्या ऊपर लिखेंगे और पहले कणों की संख्या नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो आई का मान आ जाएगा। तो पश्चात बटे पूर्व, इस तरह से आई का मान आ जाएगा। एक उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे हमने NaCl मिला दिया जल में, तो NaCl सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाएगा, तो दो कण बन जाएंगे छोटे छोटे। तो NaCl एक कण है, मिलाने के पूर्व एक कण था लेकिन मिला देने के बाद दो कण हो गए, तो पश्चात दो कण हो गए और पहले कितने थे? एक कण। तो हम NaCl मिलाने के पहले सोच, अगर 100 कण NaCl के मिलाएंगे तो 200 कण हो जाएंगे, यानी 100 Na के, Na प्लस के और 100 उसके। तो चूंकि अणुसंख्य गुणधर्म कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं ना कि उनके साइज पर, इसलिए हम तो सोच रहे हैं कि हम 100 कण मिला रहे हैं लेकिन उसमें 200 हो जा रहे हैं, तो जस्ट वो प्रॉपर्टी डबल हो जा रही है। जैसे K3PO4 में देखते हैं, K3PO4 जब जल में घोलते हैं तो आयनित होकर K+, 3K+ और प्लस फॉस्फेट आयन बनाता है, तीन कण पोटेशियम आयन के छोटे छोटे, एक कण फॉस्फेट आयन का, तो चार कण हो गए। यानी टोटल, यानी पहले एक कण हमने मिलाया और मिलाने के पश्चात चार कण हो गए, तो चार ऊपर लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे। अगर 100 कण मिलाएंगे तो वो 400 हो जाएंगे, 400 ऊपर लिखेंगे, 100 नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार आई का मान 4 आया। तो आई का मान पता करके और फिर हम सारी समीकरणों में आई फैक्टर का यूज़ करते हैं तो सारी समीकरणें करेक्ट हो जाती हैं। यानी उनसे इस प्रकार के विलयों के लिए भी हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं जो संगुणित होते हैं या वियोजित होते हैं। तो संगुणन और वियोजन क्या होता है, समझ लीजिए। मान लिया विलेय हमने विलायक में मिलाया ए, और उसके दो अणु मिलके एक सिंगल अणु बन गया, यानी दो छोटे छोटे अणु मिलके एक बड़ा अणु बन गया। तो इसका मतलब है कि उसमें संगुणन हो गया, यानी अगर उसमें 100 कण मिला रहे हैं तो वो 50 हो जा रहे हैं। या जैसे वियोजन का मतलब है कि अगर हम एक कण मिला रहे हैं ए, तो वो दो छोटे छोटे कण में बदल गया बी नाम के।
तो संगुणन में कम हो जाते हैं कण और वियोजन में कण ज़्यादा हो जाते हैं। तो संगुणन में हमेशा कण जुड़ करके बड़े कण बना लेते हैं, इसलिए कणों की संख्या कम हो जाती है। वियोजन में बड़े कण टूट के छोटे कण बनाते हैं, इसलिए कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो संगुणन और वियोजन किस हद तक हो रहा है, कितने परसेंट में हो रहा है, वियोजन की मात्रा क्या है, तो एक्स इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन, ये संगुणन के केस में अगर हमें वियोजन की मात्रा पता है, सॉरी संगुणन की मात्रा पता है, तो हम आई का मान निकाल सकते हैं वहाँ, और एन क्या है, एन कितने कण मिल करके वो एक कण बना रहे हैं, तो वो एन है। इसी तरह वियोजन में जो सूत्र है वो अल्फ़ा वाला यूज़ करेंगे, वहाँ वियोजन की मात्रा अल्फ़ा है। तो ये संगुणन और वियोजन की स्थिति अगर होती है विलेय की, तो आई का मान हमें पता होना चाहिए, और आई का मान पता होने के बाद हम जब आई का प्रयोग सूत्र में करते हैं तो फिर सारे अणुभार फिर करेक्ट निकलते हैं, अदरवाइज उनमें त्रुटि आ जाती है। तो जैसे हमने विलेय को एक विद्युत अपघट्य विलेय को विलायक मिलाया, तो यहाँ पर संभावना है कि ये पूर्ण इसका वियोजन हो जाए, और ये भी संभावना है कि आंशिक वियोजन हो जाए। तो पूर्ण वियोजन के केस में तो हम आई बराबर फोर रखेंगे, अगर मान लिया के थ्री पी ओ फोर है जैसे, क्योंकि यहाँ चार कण बन रहे हैं, तीन के प्लस के और एक फॉस्फेट का। लेकिन अगर आंशिक वियोजन हो रहा है तो आई का मान चार नहीं रख सकते हैं, फिर तो हमें आई, फिर हमें आई पता ही होना चाहिए, फिर या तो हमें एक्स का मान पता हो और अल्फ़ा का मान पता हो। तो आई का मान पता करने के लिए फिर हमें अल्फ़ा पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिनमें प्रतिशत में दिया होगा वियोजन, परसेंटेज कितना डिसोसिएशन हो रहा है, कितना एसोसिएशन हो रहा है, उनको रख करके हम, अब जैसे यहाँ पर ए जो है बी कणों में टूट रहा है, यानी एन कण बन रहे हैं, यानी एक कण कई कणों में टूट रहा है, तो पहले एक कण है, लेट एक मोल है, उधर जीरो है, क्योंकि पूर्व में तो प्रोडक्ट बनता नहीं है, थोड़ी देर में उसमें अल्फ़ा टूट गया तो एन अल्फ़ा बन गया। तो पूर्व में कण कितने हैं, टोटल वन प्लस जीरो, नीचे लिख लो डिनोमिनेटर में, और पश्चात में कितने हैं ऊपर लिख लो। तो आई का जो सूत्र है उसमें पश्चात कणों की संख्या टोटल ऊपर लिखो और पूर्व वाली नीचे लिखो। तो इस प्रकार इसमें अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस, जो ऊपर वियोजन के लिए हमने सूत्र लिखा है वही सूत्र आ जाएगा।